पहले आप ज़रा तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि पानीपत के ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया स्थित जिंदल वुलन मिल में धागा प्लांट में मशीन पर काम कर रहे 36 वर्षीय भूषण मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। वुलन मिल के दूसरे मजदूर साथियों ने बताया कि मिल में उस समय कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं था। भूषण स्वयं ही मशीन की जाम हुई मोटर को देखने लगा तो करंट लगने से उसकी मौत हो गई। मृतक मजदूर बिहार के अरवल जिले के गांव सरावती का रहने वाला था, जो पिछले 10 साल से हरिनगर कॉलोनी में रह रहा था। कार्रवाई चाहता हूं, क्योंकि जिस टाइम हमारे पास खबर आया कि शंभूजी का डेट हो गया है और मिल मालिक बॉडी निकाल के बाहर कर दिए हैं, और उसके बाद हम बोले कि क्यों बाहर कर दिए, तो कह रहे हैं कि यहाँ से ले जाओ, तो हम बोले कि कोई नहीं, बॉडी रहने दो, मैं प्रशासन को भेज रहा हूँ, प्रशासन जाने के बाद ही हम बॉडी को करेंगे। फिर भी उनके जो थे मास्टर मुनीम वो दबाव बना रहे थे, फिर उतने में हम प्रशासन भेजे, हम भी गए, उसके बाद हम रुके, उसके बाद मालिक ये मानने को तैयार हुआ कि ये हादसा हमारे मिल के अंदर ही हुआ है। ये बिजली के करंट से हुआ है जी, बाकी अभी पोस्टमार्टम कराएंगे, जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी उसके बाद कार्रवाई होगी। मालिकों ने क्या बताया, मजदूर क्या बता रहे? अभी किसी पर कोई आरोप नहीं है जी, इत्तेफाक से घटना घटी है, बिजली का करंट लग के काम करते समय बिजली का करंट लग गया, उसके कारण मौत हो गई। सिविल अस्पताल के प्रांगण में मृतक मजदूर के साथियों ने मिल मालिक से परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।